रविवार को प्रयास संगठन के तत्वाधान में बिरला इंटरनेशनल स्कूल खरखोदा में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने की श्रृंखला में चौथा T20 क्रिकेट मैच करवाया गया, जिसमें तहसील की टीम व कोर्ट की टीम ने हिस्सा लिया। मैच में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा थे, जिन्होंने टॉस कराकर मैच की शुरुआत करवाई। तहसील की टीम के कप्तान नरेंद्र बिरदावर ने टॉस जीता व पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एडवोकेट आशुतोष की कप्तानी में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोर्ट की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 179 रन बनाए, जिसमें अमित कटारिया ने एक छक्के और दो चौकों की बदौलत 30 गेंदों में 38 रन बनाए। अमित उपसन्नी ने तीन छक्कों की मदद से 15 गेंदों में 32 रन बनाए, जबकि मोहन राणा ने 27 गेंदों में 29 रन बनाकर अपना योगदान दिया। इसके जवाब में 180 का लक्ष्य लेकर बल्लेबाजी करने उतरी तहसील की टीम 14.4 ओवर में मात्र 68 रनों पर सिमट गई, जिसमें सन्नी पटवारी ने 18 गेंदों में 18 रन बनाए। तहसील टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पहले 5 ओवर में मात्र 20 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। उसके बाद कोर्ट के गेंदबाजों ने उन्हें संभलने का मौका ना देते हुए मात्र 68 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कोर्ट की टीम में मंजीत रोहना ने 3 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट झटके व 8 गेंदों में 12 रन भी बनाए, जिसके चलते मंजीत को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोर्ट की तरफ से अमित दहिया ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया व 3 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट झटके। कप्तान आशुतोष ने 3 शानदार कैच लपके। मैच के समापन पर बिरला स्कूल के संचालक सिकंदर दहिया व प्रयास संगठन के अध्यक्ष नवीन दहिया ने ट्रॉफी देकर विजेता टीम को सम्मानित किया। सिकंदर दहिया ने कहा कि इस तरह के खेल आगे भी जारी रहे, इसके लिए वो अपनी तरफ से भी प्रयास जारी रखेंगे। मैच में विजेंद्र जांगरा और प्रवीण जांगरा ने अंपायरिंग की। इस अवसर पर संजू राजू योगेंद्र नसीम विजेंद्र लोकेंद्र राणा कुलदीप तोमर दिनेश सौदा आदि मौजूद रहे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।